और वहीं बिहार बीजेपी ने नीतीश कुमार का नार्को टेस्ट कराने को कहा है। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश पीएम बनने के लिए सेक्युलर होने का ढोंग कर रहे हैं और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मुंबई में नरेंद्र मोदी ने खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले नेताओं पर जमकर हमला क्या किया, एक नई बहस की शुरुआत हो गई है। माना जा रहा है कि मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। पहले ये सुनिए नरेंद्र मोदी ने आखिर कहा क्या था। ट्रेन वही, ट्रेन की आवाज वही, लेकिन एक को एक सुनाई देता है, दूसरे को दूसरा सुनाई देता है, क्योंकि उसके मन का रिसीविंग सेंटर वो होता है। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ, हमारे सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों को वही सुनाई देगा जो उन्होंने जिंदगी भर सुनने की आदत डाली। मोदी के जवाब में जेडीयू ने साफ साफ कहा है कि नीतीश को उनसे सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी से नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है कि सेक्युलर है कि कॉमनल है। बिहार की जनता और देश की जनता जानती है कि कौन कॉमनल है, कौन सेक्युलर है। मोदी के बयान के बाद बिहार बीजेपी ने नीतीश पर हमले और भी तेज कर दिए हैं। पार्टी नेता कह रहे हैं कि नीतीश धर्मनिरपेक्षता का ढोंग कर रहे हैं, उनकी असली ख्वाहिश पीएम बनने की है, लेकिन हालत यह है कि इसके लिए वो सीएम पद का मोह छोड़ने तक को तैयार नहीं। नार्को टेस्ट होता है, इनका नार्को टेस्ट अगर हो जाए तो पता चल जाएगा उस अनचेता अवस्था में कहेंगे प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। तो ये प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षा है वही अभी मुस्लिम प्रेम का सबसे बड़ा कारण है। इस्तीफा कीजिए, किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री राज का बनाइए और आइए नरेंद्र मोदी के टक्कर में। मोदी के जरिए शुरू हुई नई बहस में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। सेक्युलरिज्म की परिभाषा से कोई विश्वास ही न रखता हो, सेक्युलरिज्म और उससे जुड़े हुए लोगों पर उसकी टिप्पणी का कोई अर्थ है? सेक्युलरिज्म पर मोदी बनाम नीतीश के इस भिड़ंत को समाजवादी पार्टी दिखावा करार दे रही है। न नीतीश सेक्युलर है, न नरेंद्र मोदी सेक्युलर है। इतने वर्षों तक दोनों एक साथ चलते रहे, एक साथ हर चुनाव में हाँ में हाँ करते रहे। आज एक दूसरे से अलग हो जाए तो कमनल एक सेक्युलर, इस परिभाषा से मैं सहमत नहीं हूँ। धर्मनिरपेक्षता पर तेज होती ये बहस कहां जाकर थमेगी इसका भी पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि मोदी ने एक बार फिर नीतीश की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मुंबई से अभिषेक शर्मा, पटना से शैलेंद्र के साथ मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज़।